Tiny things glittering. Oh, look at them stare. Something sweet. Hi guys, good morning. Welcome back to my new vlog. So guys, अभी एक्चुअली मेरा आज है 7 अक्टूबर, आप लोगों को जैसे पता होगा। और बाय द वे गाइस, हैप्पी नवरात्रि। आप मेरा 7 है, आप लोग का 8 है, तो मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ आप लोगों को विश करने में। बट आज के वीडियो में मैं नीचे कमेंट करती हूँ हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि आज पापा का आने वाला है फोन। जो पापा एक्चुअली पुराना फोन यूज कर रहे थे, जो मेरा पहले था, वो पापा भी यूज कर रहे हैं। तो गाइस, उनके लिए अपन नया ऑर्डर किए थे, क्योंकि अभी ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है। तो फिर अपन नहीं पता कौन से साइट से ऑर्डर किए, मेरे को कुछ भी नहीं पता है ये सब। तो अभी मेरे को मम्मी काम दिए कि पैसा गिनने के लिए, पैसा गिन के निकालने के लिए। वो भैया आए थे, फिर मैं बोला कि भैया आधे घंटे बाद आना, क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था और कुछ कुछ भी पर्पस था। तो अभी बस इसमें पैसा रखा है और अब अपन इसको गिनेंगे, आप और मैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा है। तो फिर मेरे को 14,500 निकालना है उसमें से। अगर गाइस आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना हो। और मेरे को पहली बार देख रहे हो तो गाइस, मेरा नाम है अमन, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मैं, आप बोल सकते हो कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग, आप लोग बोल सकते हो। अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज पूरा चल रहा है, बातचीत चल रहा है। तो इट माइट हैपनिंग कि मैं कॉलेज में ज्वाइन करने वाला हूँ और मैं कॉलेज जाने वाला हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरा मैम से हर दिन बात होता है और मैम इतनी स्वीट है ना गाइस। मैं मैसेज करता हूँ मैम को, मैम मेरे को 10-15 सेकंड में मेरे को रिप्लाई कर देती है। तो बस गाइस, सीन चल रहा है और अब ओपन करेंगे मनी का अनबॉक्सिंग। ओ गाइस, आई कैन सी इट। ओके, तो गाइस मेरा जब यूट्यूब से पहला पैसा आएगा ना, वो भी ऐसा ही दिखेगा कुछ इतना ज्यादा। उसके लिए इतना मेहनत लगता है कि नहीं बता सकता। मैं भी YouTube पे बोल सकते हो कि 3 साल से हूँ और मेरा अभी तक ये पैसा नहीं आया YouTube से। आप लोग देख रहे हो, मैं भी हर दिन काम कर रहा हूँ, आपके पापा भी हर दिन काम कर रहे हैं, सब लोग हर दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और ये है वो चीज़, मेहनत करोगे तो आपके हाथ में भी इतना पैसा रहेगा। ये अभी मेरे पापा का कमाई है। वायदा भाई, ओहो गर्मी। इतना पैसा, ओह भाई पैसा उड़ा रहा था गाइस, इतना पैसा है ना। तो फिर मैं सोचा कि थंबनेल बना लेता हूं थोड़ा। तो गाइस, ये रहा, मैं थंबनेल खींच लिया हूं। और गाइस, ये मेरा यूट्यूब का पैसा नहीं है, सच में बता रहा हूं। तो गाइस, अब गिनते हैं। अब एक्चुअली में गिनना है 14,500। गाइस, अपन शॉपिंग करना है चौमिन के लिए, क्योंकि चौमिन बन रहा है आज। और शिमला मिर्ची मेरे को दिख गया। भैया कितने का एक पाव? 20 रुपए एक पाव दे दो ना। 30 दे दो ना, 30 मैं तो बोला एक पाव दे दो। ये पत्ता गोभी कैसे? 1 किलो 30। 1 किलो 30 दे दो, 1 किलो। नापोगे नहीं? नहीं भैया। शॉपिंग करना बहुत इजी होता है, आप लोग मेरे से सीखो। भैया आपको पता है, मैं यूट्यूब पे सब लोगों को सिखाता हूँ कि शॉपिंग कैसे करें। अच्छी बात है भैया बोले। ये और क्या डलता है आपको पता है क्या? चौमिन में और क्या डलता है आपको पता है अंकल? गाजर है, शिमला है, पत्ता गोभी हो गया, और कुछ बन जाएगा इतने में। और पूछना पड़ेगा और क्या चाहिए मेरे को। भैया गाजर आधा किलो कैसे? 40 रुपए। एक पाव में कितना चढ़ेगा? 2-3 आएगा। किलो करो ना, आधा किलो कर दो। शक्कर फेल है, एकदम मीठा है क्या? ऐसे खत्म मेरा 100 रुपए पूरा आज, जो मैं अपना बचा के रखा था अपने लिए, सीताफल जो मैं अपने लिए बचा के रखा था कि मैं उससे शॉपिंग करूंगा, वो सब पूरा खत्म हो गया 100 रुपए। और अब चौमिन खाएंगे लोग। इतना महंगा, इतने महंगाई के जमाने में कहाँ जी रहे हो आप लोग। ये सब्जी मंडी जो हमारे हर थर्सडे को लगता है, यहाँ पे गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करना पड़ेगा जल्दी। हाउ आर यू बेब? नाइस। इतना महंगा है तो आप लोग बनाओ ही मत ना, मत बनाओ चौमिन। इतना महंगा जब 100 रुपए लगता है बनाने में उसमें, और ऐसा नहीं है कि पूरा गाजर डल जा रहा है, पूरे शिमला मिर्च डल जा रहे हैं, मत बनवाइए। गाजर पिछले बार ज्यादा पक गया था, ध्यान रखना है। ऐसे वाला 6.5, अरे एकदम तगड़ा है भाई, एकदम तगड़ा है। तो ना अपन 6.5 दे देते हैं भैया, आप चलाते जाएंगे थोड़ी। भाई ये तो सच में सही है आईफोन। ओ हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अमन कुमार व्लॉग्स। या अच्छा, इतना अच्छा नहीं है लेकिन है भाई, अच्छा जो भी आईफोन है भाई। अपना वीडियो डिलीट कर दो।
भाई आईफोन भी तगड़ा है यार, आईफोन 6.5 में गया और लेकिन भैया लोग भेज दिए उसको कंपनी में, अब वो पार्सल हो जाएगा उधर कंपनी में जाएगा और अब भैया देख रहे हैं मम्मी वाला कितने में जाएगा ये, उसके बाद फिर उसके हिसाब से कितने में बिकेगा, फिर 14,500 में से उतना माइनस होगा ना भैया। पैसे का किसी को याद नहीं था कि कम करेगा वो, अपन भी सब भी भूल गए, मैं 14,500 पकड़ा दिया उनको। 900 क्यों हुआ, 1,000 बोला तो 100 रुपए कम क्यों दिया रे? तीन लोग 900 रुपए कम हुआ ना। अच्छा क्या माइनस हुआ? हाँ फोन है, ईटा नहीं है, ईटा नहीं है। किचन में हूँ और किचन में का मतलब आप लोगों को पता ही है कि चाय बन रहा होगा ऑफ कोर्स, और ये दिन का एक्चुअली में चौथा या फिर पांचवा कप है याद नहीं मेरे को अच्छे से। पास है कैमरा पापा का, उतना अच्छा नहीं है जितना ये है क्योंकि मैं इसको एकदम अच्छे से यूज कर रहा हूँ, इसमें अच्छा दिख रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें अगर आप उसको यूज करोगे तो अच्छे नहीं दिखोगे और बेकार है वो। मेरे को अच्छा कैमरा के वजह से वो अच्छा नहीं है फोन, सैमसंग F22 है शायद। गाइस आज की चाय बवाल होने वाली है एकदम मस्त, मतलब कि ना एकदम हेलो चाय मेरी आ गई चाय। मेरा कुछ पर्सनल काम है जो कि मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मे भी अभी वो टाइम नहीं है बताने का वो सही। हाँ वो सब रखेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स लोग को भी बताना पड़ेगा खुशखबरी कि कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज एक खुशखबरी है एक्चुअली में, मैं ऐसी चितड़ा पितड़ा टाइप से पड़ा हुआ था। तो गाइज मैं कल जा रहा हूँ 10:30 कॉलेज, नहीं पता मतलब कि कुछ कुछ काम है मेरे को, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जो मेरा कॉलेज है वहीं जाना है मेरे को, सब वहाँ पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैम से मेरी बात हुई और मैं पूरा हर चीज क्लैरिफिकेशन कर ले रहा हूँ मैम से कि मैम क्या क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैम भी कंझा जा रही है मेरे पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, मैम बहुत ज्यादा मदद कर रही है, थैंक यू सो मच मैम। नाम नहीं बताएंगे मैम का क्योंकि मैं पर्सनल सब चीज को रखूंगा। और गाइस मजा आने वाला है कल, मेरे दोस्त भी बन गए, बहुत लोग मैसेज भी किए मेरे को कि हाँ ऐसा वैसा हेलो 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 सब चल रहा है वहाँ पे अभी ग्रुप में, सब चीज मजा आने वाला है जो भी है गाइस। तो कल आप लोग देखोगे अभी क्या सीन है, मेरे को कुछ नहीं पता है लिटरली, मैं जहाँ पे जो हो रहा है मैं वहाँ रस्ते में बस चले जा रहा हूँ और वो पाथ को चूज किया। मम्मा क्या अब भी जाओगी कल? अब भी जाओगी है? हाँ, हाँ। नहीं लेके जाऊंगा गाइस, मैं अकेले जाऊंगा कैंपस में। आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है गाइस, पूरा कॉलेज घूमेंगे, पूरा कैंपस का टूर भी करूंगा। मैं बोलूंगा मैम मैं घूम के आ सकता हूँ क्या? 10:30 से 1:30 के बीच में जाना है, अब देखते हैं अब क्या होता है। गाइस आप लोग मेरा एक्साइटमेंट देख सकते हो, भाई क्या मजा आएगा कॉलेज, लेकिन अकेले जाने में ही सबसे ज्यादा मजा है। गाइस अभी रात का बज रहा है 2:45, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, व्लॉग एडिट हो चुका है और ये रहा मेरा दिन का शायद से 6वां या फिर 5वां कब है मेरे को याद नहीं अच्छे से। तो गाइस यही था आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस मेरा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, मैं मतलब कि वो बस रखा हुआ है लॉकर में, उसको मैं निकाल के कुछ भी नहीं देखा क्योंकि टाइम ही नहीं लगा बोल सकते आप लोग, क्योंकि पापा मैं मम्मी और मेरा भाई सब बैठ के बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया गाइस। और यही था आज का व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज पहली बार मेरी मम्मी मेरा पूरा एक व्लॉग देखी है, पहली बार 10 मिनट तक के देखी है, तो बोलती है अच्छा अच्छा है, अच्छा है ऐसा है, तो फिर मैं बोला ठीक है चिल मारो। तो मिलता हूँ गाइस कल नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी या। कल जाएंगे कॉलेज और या ब्रो ये यही तो लाइफ है गाइस, व्लॉग लाइफ यू नो, लाइक आज का ज्ञान यही रहेगा गाइस, कभी किसी से जलो मत क्योंकि भगवान ने उसके लिए जो किए उसमें तुम खुश रहो, और तुम ये सोचो कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या रखा होगा। मैं बस यही सोच के मैं अपने पाथ में बस जाए जा रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पिछले 2 महीने में मैंने 75 व्लॉग्स डाले और ये 76 है गाइज, आई लव इट ब्रो, आई लव इट, मतलब मैं खुद को देख रहा हूँ गाइज, मैं 70 व्लॉग डेली कंटिन्यूस में, मतलब कि एक 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 दिन का गैप हुआ है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, आई लव इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, पीस।